नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पहली बार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ रोड शो किया। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद तो बस एक टैग है, यह एक पद है, इसलिए बीजेपी टैग हटा सकती है, वो पद ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं और वो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे वायनाड के लोगों की नुमाइंदगी करने से रोक नहीं सकते। Years ago, I came here and became your member of parliament. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു, നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമായി മാറി. And for me, the campaign was a completely different type of campaign. Of course, I don't belong to Kerala, but the enthusiasm and the affection and the manner in which you embraced me gave me the feeling that you are part of my family, that I am your brother, your son. सांसदी छिन गई, देने को बची नहीं थी सौगात। सर्वहारा की तरह जनता के बीच हाजिर हो गए राहुल। बहन प्रियंका के साथ खाली हाथ। राहुल वायनाड के सांसद नहीं रहे। 4 साल पहले जिन लोगों ने छप्पर फाड़ वोट देकर संसद पहुंचाया था, सरकारी दस्तावेज में अब वो उनके नुमाइंदे भी नहीं रहे। लेकिन मोहब्बत मर नहीं सकी, रिश्ता टूट ना पाया। वायनाड ने प्यार से पुकारा, राहुल दौड़े चले। खुद तो आई ही, बहन प्रियंका को भी साथ लिया। हवा में सवाल भी लहरा, क्या बिगाड़ के डर से, क्या ईमान की बात ना करो, नुकसान के डर से सच्चाई का रास्ता छोड़ दो, पद के लोभ में फरेबी हो जाओ। जिन लोगों ने प्यार दिया उन्हें कैसे भूल जाओ, जिन्होंने एतबार किया वो वादा कैसे तोड़ जाओ, सत्ता के डर से अपनों को गले ना लगाओ। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज जस्ट टैग। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट എന്നത് കേവലം ഒരു 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 വര മാത്രമാണ്, ഒരു ടാഗ് മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പൊസിഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ പോസ്റ്റ്. ഒരു അതൊരു സാങ്കൽപ്പികമായ അധികാര സ്ഥാനം മാത്രമാണ്. സോ ദ ബിജെപി കൻ ടേക്ക് അവേ ദ ടാഗ്. ബിജെപിക്ക് എന്റെ മേൽവിലാസത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the position. എന്റെ സ്ഥാനത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the house. എന്റെ ഭവനത്തെ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can put me in jail. എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. But they cannot stop me from representing the people of Wayanad. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ, വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിന്നും എന്നെ സാംസദി സമാപ്ത ഹോനെ കേ ബാദ് പഹലി ബാർ വയനാട് പഹുഞ്ചേ രാഹുൽ കേ സാത്ത് ബഹൻ പ്രിയങ്ക നേ ബി റോഡ് ഷോ കേ സരിയേ ജനതാ കാ ശുക്രിയ അദാ കിയാ। हजारों के हुजूम को यह समझाया कि राहुल गांधी की जंग सच्चाई की जंग है और इस जंग को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक सत्ता सीधे सवालों के जवाब नहीं दे। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलती, किसानों के घर खुशहाली नहीं आती। आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद पिछले महीने वायनाड से सांसद के तौर पर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करने का आदेश दिया गया। राहुल ने आदेश का पालन किया, तय वक्त से पहले अपना सरकारी आवास खाली किया और माँ सोनिया के घर में आ गए। लेकिन सत्ता के खिलाफ राहुल के तेवर बरकरार रहे। राहुल ने मुश्किल राहों को नहीं छोड़ा, अपना रुख नहीं मोड़ा, सत्ता से सवाल पूछना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।